ए, क्या कर रही हो करीना? और ये सब क्या है? तुम शूटिंग पर क्यों नहीं गई? करीना नहीं, ऐसा है करिश्मा से। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, करीना की जुड़वा बड़ी बहन, कानून का भेजा हुआ वर्दीधारी यमदूत जो तुम्हारे प्राण हलक से निकाल कर जेल नाम के यमलोक का सैर कराने आई है। बताओ पासवर्ड क्या है? पासवर्ड बताओ, नहीं तो आज हमारा मूड बहुत खराब है, पता नहीं हम तुम्हारे साथ क्या कर डालेंगे। बताओ पासवर्ड। मौत और बुरा वक्त किसी के रोके रुकता नहीं है मैडम, जो तुम्हारी धमकियों से रुक जाएगा आज ब्लास्ट तो होकर ही रहेगा। ब्लास्ट होने से कोई नहीं रोक सकता मैडम। पासवर्ड तो तुम्हारा बाप भी बताएगा। बताओ पासवर्ड क्या है? बताओ पासवर्ड क्या है? बताओ। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। बताओ पासवर्ड क्या है? बताओ। 20 सेकंड बाकी है। अयो 20 सेकंड बाकी है संतोष शर्मा, जल्दी करो। क्यों मैडम? से येलो एड दिख रहा है। एक मिनट पकड़ो पकड़ो। हाँ हाँ दिख रही है, हाँ दिख रही है। हाँ काट दीजिए। क्या? काट दीजिए येलो वायर, बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है आओ आओ, चलो आओ, फोन पकड़ो। संतोष शर्मा ये शोर? हाँ मैडम सर, बॉम्ब स्क्वाड वालों ने बोला है वो शोर है तो शोर ही होगा ना। कर दो कर दो कर दो। थैंक यू सो मच करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह? करी अम्मा, करिश्मा सिंह कहीं उस क्रिमिनल को मार ना दे। मैडम सब दो मिनट दीजिए, पासवर्ड तो उसका बाप भी बताएगा। नहीं 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 प्लीज हमारी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है, बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, हम में से किसी को भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो क्रिमिनल हमें जिंदा चाहिए, वही एक लिंक है हमारे पास इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए। जिंदा रहना जरूरी है ना, सलामत रहना तो नहीं। क्या मतलब है आपका? मतलब व्हीलचेयर पे भी इंसान सलामत रह सकता है ना। ये क्या कह रही हैं आप? सॉरी मैडम सर, आपने दो मिनट थोड़ा लेट कॉल कर दिया, अभी एम्बुलेंस आई थी और इस इंसान को लेकर गई है, पता नहीं बहुत सारी हड्डियां टूट गई है, जिंदा रहेगा पर सलामत नहीं। जय हिंद। करिश्मा सिंह तुमने हमारी मासूम बहन के साथ जो खेल खेला है ना, उसको हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अपने घटिया मंसूबों के लिए तुमने उसको निशाना बनाया, उसको यूज किया, तुमने जो उसके साथ किया है ना, उसके लिए हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जब भी तुम मुंह खोलोगे ना, या तो सिर्फ सांस लेने के लिए खोलोगे या फिर एक बात बोलने के लिए खोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम जाना दे। छोड़ दीजिए, अब हमसे गलती हो गई मैडम, छोड़ दीजिए ना। अब मैं जाता बैक टू चेन्नई, मुझे ऐसा लगता कि मैं वहीं के लिए बना, साउथ इंडस्ट्री के लिए। यहाँ रह के तुम सबसे मैं जो सीखा लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहता।
सच में तुम सब बहुत अच्छे, नकली सही लेकिन कुछ दिनों मैं भी यूनिफॉर्म का प्राउड फील किया, बहुत अच्छा लगा। मैं सेंटी होता, मुझे रोको। शहर से जा रही हो बेटा, दिलों से नहीं। इतने कम दिनों में हम सबके दिलों में तुमने जो जगह बनाई है वो ये छोटी मोटी दूरी क्या कम कर पाएगी। गुरु अम्मा तुम मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू। वैसे भी चेन्नई कौन सा बहुत ज्यादा दूर है, जब कभी आपको हमारा याद आए ना तुरंत फ्लाइट पकड़ के आ जाइएगा मिलने के लिए। हैं तो यहीं पे रहे हम इनसे मिलने के लिए। फ्रेंड टकली इधर इधर टकली। चलो मैं तुमको मेरे साथ साउथ लेके जाता, तुमसे प्रॉमिस किया था ना तुमको साउथ का हीरो बनाता। ये चलो तुम चलती ना मेरे साथ। ले जाओ वहां हाथी धोने के काम आएगा ये। भालू बिल्ला चला जाएगा क्या इनके साथ? ये साउथ इंडस्ट्री में जाएगा, साउथ इंडस्ट्री का सारा हीरो सब भाग जाएगा। सोचा तो यही था, पर हम जहाज के पंछी, वापस लौटकर जहाज पे आना होता है। और मेरी पहचान तो ये थाना ही है, इसे छोड़कर कहां जाएंगे और कहां ऐसी पहचान मिलेगी। लेकिन करू तुम जाओ चेन्नई जाओ, खूब तरक्की करो, बड़ी स्टार बनो। हर कभी टकली फ्रेंड की याद आए तो फोन करना करो। हमको तुम पे गर्व होता टकली फ्रेंड। जब भी मुझे जज्बात वाली पुलिस ऑफिसर बनना होता ना तो वही तुमको फॉलो करता, और जब भी मुझे तो वही दीदी को फॉलो करता। बाय थी। तुम दोनों फ्रेंड चलो मैं जा तो बाय। अपना ख्याल बाय। ख्याल रखना अपना। हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। ये लफंडर लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डीएस सर, आपको बदनाम स्पेशल चाय चाहिए या बिरयानी? बिरयानी चाहिए। और सुनो, उसमें वो काजू बादाम वगैरह सब कुछ डाल देना। हाँ, चल बार बार के डालेंगे। चल बिल्ले। वाह मिस मलिक वाह, आपने और आपके इस थाने की पूरी टीम ने एक बार फिर से सिक्सर मार दिया। इतने बड़े आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया, हमारे शहर को जानलेवा खतरे से बचा लिया। भाई मिठाई तो बनती है, लीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अरे भाई करिश्मा सिंह को भी दीजिए। सच कहते हैं, आप लोगों की बहादुरी के लिए हमारे डिपार्टमेंट को और सारे शहर को आप सभी लोगों पर गर्व है, और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से ये तो बनता ही है। तो हम चलते हैं। शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद। मैडम सर हाय है। नहीं शुक्रिया, हमें नहीं लगता कि हम इस मिठाई के हकदार हैं। क्या है ना कि जिस थाने के SHO के ऑर्डर्स को उसके जूनियर इतना मजाक में लेते हैं कि मक्खी की तरह उड़ा दें, वैसे SHO को मिठाई नहीं खानी चाहिए। वो क्रिमिनल हमें जिंदा चाहिए, वही एक लिंक है हमारे पास इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए। मैडम सर वो... हमने आपसे साफ साफ कहा था करिश्मा सिंह कि हमें टोनी चोपड़ा जिंदा चाहिए। आपने अपने बेमानी गुरूर को मेंटेन करने के चक्कर में इस केस को सॉल्व करने के सिर्फ आखिरी एक लिंक को खत्म कर दिया। मैडम सर हमने आपसे कहा था ना, उस वक्त का माहौल ऐसा था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए हमने उनको शूट किया। करिश्मा सिंह प्लीज, ये फेक इमोशनल कहानियां आप हमें मत सुनाइए, हम भी पुलिस वाले ही हैं।
अगर आप सेल्फ डिफेंस में उसे गोली चलाने वाली थी तो आप पैरों में भी गोली मार सकती थी, सीने में क्यों मारी? मैडम सर हम नहीं, प्लीज बहुत हो चुका, 2.5 साल हो चुके हैं हमें आपकी अंधी जिद, आपकी मनमानी और आपकी नाफरमानियों को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए। हमने इन सालों में बहुत कोशिश भी की कि हम आपके इस अड़ियल रवैये को थोड़ा सा प्यार से समझा के बदल सके, लेकिन अफसोस हम नाकाम रहे, पर अब बहुत हो चुका है। आज के बाद अगर आप हमारे साथ काम करना चाहती हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। मैडम सर जी, पुष्पा जी, कुछ जरूरी कागजात हैं जिन पर आपके दस्तखत चाहिए। लाइक शुक्रिया। आज 3 दिन हो गए करिश्मा जी ड्यूटी पर नहीं आई, तो घर पर भी यही हाल है, किसी से बात नहीं कर रही है, लल्ला का फोन नहीं उठा रही है, हमसे झगड़ा नहीं कर रही है, बस खुद को अकेले कमरे में बंद करके रखा है, ना वो बाहर आ रही है ना किसी को अंदर आने दे रही है। तो मतलब अगर आप एक बार उन्हें फोन करें, उनसे बात करें, उन्हें वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दे तो हम क्यों कहें? आप ही ने कहा था उन्हें बदलने के लिए। हमने उन्हें बदलने के लिए कहा था पुष्पा जी, ड्यूटी पर ना आना उनका डिसीजन है। मगर आपकी कही ये बात तो उन्होंने दिल पे ले ली ना, आपको पता है वो कितना मानती है आपको, आपकी कही हर बात वो दिल से लेती है। अच्छा, अगर इतना ही दिल से लगाती हमारी हर बात को तो अब तक थोड़ा बहुत बदलाव तो दिख ही जाता ना पुष्पा जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस सिचुएशन में जब वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो उनका थाने ना आना ही बेहतर है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं रुकना ही होगा। आपको उनकी याद नहीं आती? नहीं। वैसे तो यहाँ आने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, आदत ही नहीं है। क्या जब भी आपका जरूरत पड़ता है तो आपको बस दिल से याद करना होता है और आप आते हैं और हमें हर मुश्किल से निकाल देते हैं। पर आज जो हम आपको कहने जा रहे हैं ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहें। वैसे भी आपसे क्या छुपा है, आपको तो सब पता है। हम ना थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं, हमें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि हम क्या करें, कौन सा रास्ता चुनें हम, वो रास्ता जिस पे दुनिया हमको चलने के लिए कह रही है या फिर वो रास्ता जिस पे हमारा दिल हमको चलने के लिए कहता है। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस पे हमारा दिल कहता है तो हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे आपने हमको बना के भेजा है, लेकिन हम दुनिया के रास्ता पे चलेंगे तो हम बदल जाएंगे। मैडम सर हमें कह रही है उस रास्ते पे चले कि जिस रास्ते पे हमारा दिल कह रहा है उस रास्ते पे चले, हमें बताइए कि हम कौन सा रास्ता चुने। क्यों बनाया मुझे ऐसा, इतना अजीब, इतना बदसूरत, मजाक उड़ाते हैं इस लंबी नाक का सब लोग, हंसते हैं मुझ पर, नफरत हो गई है मुझे खुद से, नहीं जी सकती इस शर्मिंदगी के साथ अब। और अब एक मिनट आप आइए। क्या हुआ ये, आप क्या बोल रही हैं, क्या दिक्कत है आपको आपके नाक से? अच्छा तो है, आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कैसे दिखते हैं, आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आप क्या हो। आप करिश्मा सिंह है ना, SI महिला पुलिस थाने से? जी। बड़ा आसान है आपके लिए बड़ी बड़ी बातें बनाना, भगवान ने आपको मेरे जैसी शक्ल, मेरे जैसी नाक दी होती ना तब पता चलता, जिसे लगती है दर्द भी वही जानता है। मैं ये सब बदलना चाहती हूँ,
चेहरे पर बदलना क्यों है? भगवान ने हमको जैसा बना के भेजा है, हम वैसे बहुत अच्छे हैं। ये आप कह रही हैं? सुना मैंने अभी आप भगवान से क्या बातें कर रही थी। आप तो खुद अपनी लाइफ में इतना कंफ्यूज हैं, आपको खुद नहीं पता सही और गलत क्या है। पहले खुद तय कर लीजिए गलत और सही क्या है, फिर दूसरों को राय दीजिए। मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। नहीं जी सकती इस शक्ल के साथ, इस नाक के साथ। नहीं चाहिए ये शक्ल, ये लाइफ। मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस शर्मिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। करिश्मा सिंह आई है क्या? ये तो सब करिश्मा मैडम कहाँ है? आ गई क्या करिश्मा मैडम? कहाँ है, कहाँ है? आपने देखा उन्हें आते हुए? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही हमें वहम हुआ होगा। मैडम सर जी, पुष्पा जी कहिए। आपने तो कहा था कि आपको उनकी बिल्कुल याद नहीं आती, मगर हमें लगता है हद से ज्यादा याद करी आपने। बस सिर्फ जता नहीं रही, प्लीज एक बार फोन तो कर लीजिए। देखिए आपका एक फोन जाने के बाद किसी उड़ती हुई थाने वापस आ जाएगी। नहीं पुष्पा जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जब थाने ना आने का डिसीजन उनका था तो थाने आने का डिसीजन भी उन्हीं का होना चाहिए। मैडम सर। मैडम जी। मैडम मैडम, हमारी बेटी को ढूंढ लीजिए। क्या हुआ आपकी बेटी को? हमारी बच्ची गायब है मैम, कल से घर पे नहीं आई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, ढूंढ दीजिए मैडम। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए पुष्पा जी, बैठिए बैठिए। मुझे माफ कर देना पापा, मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, अब मैं कभी घर वापस नहीं आना चाहती। मैडम ये वो आखिरी मैसेज है जो जानवी ने हमें किया था, उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया, मैंने कितना ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ ही आ रहा है। मैडम जी, हे भगवान, हमारी बच्ची के दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं उसने कुछ? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप इस तरह से मत सोचिए, आप शांत हो जाइए, घबराइए मत, आपकी बेटी मिल जाएगी। क्या नाम है आपकी बेटी का? जी जी जानवी। जानवी का फोटो है आपके पास? जानवी ये। पुष्पा जी, आपने जानवी के सर्कल में बात की, उसके दोस्तों से बात की, पता लगाने की कोशिश की कि वो कहाँ जा सकती है या किसी चीज से परेशान है या कहीं जाने वाली है, ऐसा कुछ? मैडम जी, हमारी बच्ची के ज्यादा दोस्त नहीं है, पर जो लोग दोस्त हैं उनसे हमने पूछताछ की, उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हमारी बच्ची जानवी। अब जानवी करती क्या है? आई मीन कहीं जॉब करती है, कोई कोर्स वगैरह, या कहीं पढ़ती है? हो सकता है कि उसके वर्क प्लेस पे जाके अगर हम पूछताछ करें तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ मैडम जी, हमारी बच्ची बहुत टैलेंटेड है, वो रेडियो स्टेशन पे काम करती है, 55.5 एफएम रेडियो पर, बहुत फेमस है वो, फेमस रेडियो जॉकी है वो, उसको तो उसका तो आधा शहर फैन है। एक मिनट, कहीं ये वो जानवी तो नहीं है जो रेडियो पर आती है कि हेलो लखनऊ, जानवी सब जानती है ये वो? अरे गजब मधुर आवाज है उनका, कितना सही बोलती है, बोलती है तो लगता है कि मुंह से मोती झड़ रहा है, बोलती है ना तो मन करता है एकदम सुनते रहे अपने बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जानवी किसी से प्यार करती हो, किसे चाहती हो और उससे मिलने गई हो कहीं। क्या बकवास कर रही है मैडम आप, कुछ भी बोले जा रही है, हम उसके माँ बाप है और हमारे सामने? नहीं, हमारी जानवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो ऐसा कोई भी घिरा हुआ काम नहीं करेगी जिससे हमारी नाक कट जाए। I'm so sorry सर, लेकिन जितने प्राउडली आंटी जी बता रही है ना कि उनकी बेटी आरजे है, उतने ही बैकवर्ड है आपके थॉट्स। एक अडल्ट इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट लड़की अगर किसी को चाहती है, किसी में अपना जीवन साथी देखती है, तो क्या ये घटिया बात है? मतलब अगर अपने घर वालों से वो कुछ शेयर करना चाहती है, उसकी पसंद ना पसंद, तो उसमें आपकी नाक कट जाएगी, उसको कोई अधिकार नहीं है।
संतो देखिए भाई साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपकी लड़की किसी से प्यार करती हो, किसी को चाहती हो, और उसे डर लग रहा है कि आप उसे डांट फटकार ले, उसकी उसकी पसंद को खारिज कर दे, इसलिए शायद वो आपको बिना बताए कहीं चली गई हो। नहीं मतलब आंखों की शर्म नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, इसलिए शायद चिट्ठी में ऐसा लिख के गई हो कि मुझे कभी मत ढूंढना, मैं चली जा रही हूँ। नहीं मतलब ऐसी संभावना तो हो ही सकती ना, वो ऐसा व्यक्त कर रहे थे हमारी भावना। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जरा पता लगाइए उसके सर्कल में, उसके दोस्तों में, या ऐसा कोई जिसके बारे में उसने खुद आपको कभी बताया हो, या करीबी दोस्त कहकर मिलवाया हो, ऐसा कोई आपको याद आ रहा है? नहीं नहीं, उसने कभी किसी लड़के का जिक्र तो नहीं किया। हम तुमसे क्या? ना जी, कभी भी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। संतोष चीता, इनकी बेटी के ऑफिस में जाइए, इनके कलीग से बात कीजिए, उसकी लाइफ के बारे में जानिए, देखिए ऐसा कोई लड़का है या नहीं। जी मैडम सर। अब आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, जैसे ही हमें कुछ और पता चलेगा हम आपको अपडेट करेंगे। मैडम जी, हमारी बच्ची को ढूंढ लीजिए, हमारी बच्ची को ढूंढ, हमारी बच्ची। ये केस वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, जरूर बात कुछ और है, हमें पता लगाना होगा।